फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलोपीडिया। मैं हूं प्रकाश और आज हम जा रहे हैं सिंदरोड चेक डैम और कोटना बीच। ये दोनों जगह वडोदरा से करीब 20 किलोमीटर दूर है और एक दूसरे से भी करीब 5 किलोमीटर ही दूर है, तो एक दिन में ही आप दोनों जगह पर जा सकते हो। बहुत ही अच्छे पिकनिक स्पॉट है ये, तो अगर आप कभी वडोदरा घूमने आए हो या फिर वडोदरा में हो और आसपास के कोई पिकनिक के लिए जगह ढूंढ रहे हो तो ये दोनों जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आप वीकेंड में भी अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। रास्ते में आपको एक इस तरह का बोर्ड दिखेगा, यहाँ से अंदर की तरफ जाना है। यहाँ से 1 किलोमीटर होता है कोटना बीच। ये जो आखिर का 1 किलोमीटर का रास्ता है वो थोड़ा कच्चा रास्ता है और सिंगल लेन ही है, तो छुट्टी त्योहार या संडे शाम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इसमें आपकी 4-व्हीलर भी फंस सकती है, तो ऐसे में आप 4-व्हीलर लेके अंदर जाना अवॉइड कीजिए या फिर बाहर कहीं पर पार्क करके ही अंदर चले जाइए। अभी बस हम कोटना बीच पहुंचने वाले। यहाँ पर पार्किंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बहुत ही बड़ी जगह है, कहीं पर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। बस तो अब वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ पर। अभी हम पहले आए हैं कोटना बीच पर। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है यही कोटना बीच है। एक्चुअली में ये मही नदी का एक किनारा ही है। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि कायाकिंग कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। ये जो कायाकिंग होता है वो 1 पर्सन का करीब 150 से 200 रुपए में होता है, फिर बोटिंग होता है वो करीब 100 से 150 रुपए में होता है। इसके अलावा वहाँ पर सामने कुछ छोटे मोटे खाने पीने के भी स्टॉल है, आप चाहे तो घर से भी कुछ खाना लेके यहाँ पर पिकनिक के लिए आ सकते हो। यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है। अगर आप गोकार्ट कार के शौकीन हैं या फिर इस तरह की कार चलाने का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो सिंदरोड चेक डैम से सिर्फ 500 मीटर ही दूर एरडा स्पीडवे नाम से एक गोकार्ट रेसिंग ट्रैक है। यहाँ पर जाकर आप इस तरह की कार चलाने का मजा ले सकते हो। ये दोपहर के 3 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप अगर कोटना बीच और सिंदरोड चेक डैम के नेचर का मजा लेने के साथ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो अब कोटना बीच से हम जा रहे हैं सिंदरोड चेक डैम की तरफ। ये करीब 5 किलोमीटर जितना ही रास्ता है बीच में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आप पहुंच सकते हो। अब सिंदरोड चेक डैम में आगे कैसा है और क्या कर सकते हो वहाँ पर, वो वहां पर जाके ही देखते हैं। तो ये सिंदरोड आ चुका है, ये यहाँ का पार्किंग है। पार्किंग भी बहुत बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर यहाँ पर जो पार्किंग है वो फ्री नहीं है। 2-व्हीलर के 10 रुपए और 4-व्हीलर के 20 रुपए चार्ज लगता है पार्किंग का। अभी हम आ चुके हैं सिंदरोड चेक डैम। ये जो पीछे दिख रहा है वही है सिंदरोड का चेक डैम।
ये नहाने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। वैसे आप कोटना बीच पर भी नहा सकते हो, पर वहाँ पर जो पानी वो एक जगह पर रुका हुआ पानी है, जबकि यहाँ पर ये पानी चलता रहता है तो ये पानी क्लीन भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर स्लाइडर जैसा भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप ऊपर खड़े रह के फिर नीचे स्लाइड करके जा सकते हो, इसका भी एक अलग ही मजा आएगा। यहाँ पर अगर आप नहाने के लिए आ रहे हो तो एक चीज का खास ध्यान रखिए कि अपने साथ सॉक्स लेके आइए। पैरों में अगर आपने सॉक्स नहीं पहने होंगे तो वहाँ से आप फिसल सकते हो। अगर आप भूल गए हो सॉक्स लाना तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल भी है, यहाँ से भी सॉक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के लिए भी छोटे से स्टॉल है, तो कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा। अब हम जाते हैं वहाँ पर नहाने के लिए, आइए देखते हैं।